स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक की। तो ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक है, इसका अगर हम इतिहास देखें तो ये जो स्टोरी है, ये सबसे पहले वैटसन और किक के साथ में शुरू हुई है, जिन्होंने स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का 1953 में। और उसके बाद में रिचर्ड हॉले ने 1964 में परफॉर्म की थी सीक्वेंसिंग टीआरएनए की, जो कि पहला कदम था न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग की तरफ। यूजिंग द टेक्निक ऑफ हॉले एंड फिशर, उन्होंने सीक्वेंस किया जीनोम, बैक्टीरियोफेज, MS2, आरएनए सीक्वेंसिंग। जो सीक्वेंस जो मॉलिक्यूल्स थे वो आरएनए थे, लेकिन डीएनए सीक्वेंस अभी भी शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद में 1977 में सैंगर ने सबसे पहले पोस्टुलेट किया सीक्वेंसिंग मेथड, उसको नाम दिया चेन टर्मिनेशन मेथड। उसी साल एक केमिकल मेथड भी प्रपोज किया गया डीएनए सीक्वेंसिंग का, जिसको एक्सप्लेन किया मैक्सम और गिलबर्ट ने। और जो जीनोम था बैक्टीरियोफेज X1X174, उसकी सीक्वेंसिंग की गई थी केमिकल डिग्रेडेशन मेथड से, लेकिन ऑटोमेशन नहीं था, तो इसलिए दोनों ही मेथड्स बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थे, टीडियस थे। दोनों जो मेथड्स थे वो था केमिकल डिग्रेडेशन मेथड और था चेन टर्मिनेशन मेथड, जो कि सैंगर ने प्रपोज किया चेन टर्मिनेशन मेथड और केमिकल डिग्रेडेशन मैक्सम और गिलबर्ट ने प्रपोज किया था। उसके बाद में पहला सेमी ऑटोमेटेड डीएनए मेथड डेवलप किया गया था लॉरे और स्मिथ ने 1986 में। उसके बाद में 87 में अप्लाइड बायोसिस्टम ने डेवलप किया फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन कंट्रोल्ड डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड। उसके डेवलपमेंट हुआ फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन्स का एरा ऑफ 2000s। इसलिए जो 2000 का जो टाइम था वो गोल्डन पीरियड था सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। उससे पहले 1996 में अप्लाइड बायोसिस्टम ने डेवलप किया था सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं कैपिलरी डीएनए सीक्वेंसिंग। उसके बाद में शुरू हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि कंप्लीट हुआ था कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों ही मेथड से 2003 में। फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल और एफिशिएंट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स 2005 में प्रपोज किए गए थे सोलेक्स एल्यूमिना ने। तो ये कुछ हमने देखा हिस्टोरिकल प्रीव्यू ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। अगर हम इसमें विजुलाइज करें कि हमारा हिस्टोरिकल पाथवे कैसा रहा है डीएनए सीक्वेंसिंग का, तो 1953 में शुरू हुआ था विद द डिस्कवरी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। 1975 में पहला जीनोम बैक्टीरियोफेज का 5X1174 की सीक्वेंसिंग की गई थी। 1977 में केमिकल क्लीवेज मेथड हुआ था, उसी साल चेन टर्मिनेशन मेथड भी डेवलप हुआ था और जीन बैंक स्टार्टेड हुआ था 1982 में। पीसीआर की टेक्निक 1985 में कैरी मिलर्स ने प्रपोज की थी। उसके बाद में शुरू हुआ 87 में ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। उसके बाद में शुरू हुआ कैपिलरी सीक्वेंसर 96 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003 में और 2005 में फर्स्ट न्यूक्लियर सीक्वेंसिंग वेयर टेक्निक्स वेयर डेवलप। तो इन नटशेल हम देख सकते हैं एक हिस्टोरिकल प्रीव्यू। अभी होता क्या है डीएनए सीक्वेंसिंग, जैसा कि हम एलेलिक जो वेरिएशन है उनको स्टडी करके या यूज़ करके पीसीआर हम न्यू पॉलीमॉर्फिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें डीएनए सीक्वेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है। यह एक प्रकार की लैब टेक्निक है जिससे हम करेक्ट डीएनए सीक्वेंसेस को सीक्वेंशियल केमिकल रिएक्शंस के द्वारा पता करते हैं। लैब प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशनल एनालिसिस दोनों ही की कंपोनेंट्स हैं डीएनए सीक्वेंसिंग में। जैसे ही केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो मशीन जनरेटेड डेटा जो है वो लैब में सेंड किया जाता है। जो प्रोसेस होता है एम्प्लीफिकेशन का, वो हर न्यूक्लियोटाइड का रिकॉर्ड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, जो कि एक मशीन कलेक्ट करती है और फिर उसको एनालाइज करती है कंप्यूटर पे। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है जिससे न्यूक्लियोटाइड्स जो कि रेडियो या फ्लोरोसेंट लेबल्ड हैं उनका हम पता कर सकते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग में, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग मेथडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्शन करेंगे, पीसीआर करेंगे उस टारगेट सीक्वेंस का, एम्प्लीकॉन्स का प्योरीफिकेशन करेंगे, सीक्वेंसिंग का प्री प्रिपरेशन करेंगे, डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे और डेटा एनालिसिस करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन कैसे होगा, डीएनए जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है उसको हमें आइसोलेट करना है। किसी भी फॉर्म का डीएनए हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका ओरिजिन एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरियल प्लास्मिड या एनवायरमेंटल प्रकार का पाए जाने वाला डीएनए। जो क्वालिटी है डीएनए की वो मेजर कंसर्न होती है सीक्वेंसिंग में, इसलिए हम प्रोटीनेज के या स्पिन कॉलम डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड
हमें हाई यील्ड देता है। गुड क्वालिटी ऑफ डीएनए जो है वो रिड्यूस करता है चांस ऑफ रिएक्शन फेलियर की। एक डीएनए सैंपल का जो रेशियो होता है नियरली 1.80 होना चाहिए, अर्थात 1.7 टू 1.8 प्योर डीएनए कंसिडर किया जाता है। क्वांटिटी जो होती है 100 ng प्रेजेंट ऐसे के लिए यूज़ की जाती है। तो सैंपल प्रिपरेशन हमें इस तरह से रखना है कि हमारा डीएनए सैंपल जो है वो कितना प्योर है। फिर हमें उसका एम्प्लीफिकेशन करना है, उसकी कॉपी जनरेट करनी है। तो हम PCR मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे कि हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो डीएनए है उसकी एम्प्लीफिकेशन हमें करनी है। तो हमें खाली उसी सीक्वेंस की करनी है एम्प्लीफिकेशन, रेस्ट जो काम का नहीं है उसे हमें डिस्कार्ड करना है। तो होल जीनोम जो सीक्वेंसिंग है उस तरह से हम इंटायर जीनोम के ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। हम फ्लैंकिंग प्राइमर्स को एनील कराएंगे आउटर रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस में। स्टैंडर्ड PCR कंडीशन से एम्प्लीफिकेशन जो प्रोसेस है पूरा होगा, लगभग 35 साइकिल्स इसमें रन करेंगे जिसमें डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन होगा। एम्प्लीफिकेशन के बाद में PCR जो प्रोडक्ट है उसको हम एग्रोज जेल पर रन करेंगे डीएनए लैडर के साथ में। जैसे ही एम्प्लीफिकेशन अचीव हो जाएगा डीएनए प्योरीफिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये एम्प्लीकॉन प्योरीफिकेशन कैसे करेंगे, जो कि हम PCR प्रोडक्ट में हम प्योरिटी को चेक करेंगे 260 टू 280 नैनोमीटर्स वेवलेंथ में, वो हमेशा 1.80 आना चाहिए। इसका मतलब वो आपका एम्प्लीकॉन प्योर डीएनए फ्रैगमेंट का है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कंटेमिनेंट है तो एम्प्लीफिकेशन हैपन नहीं करेगा। तो हम कैसे इसको प्योरीफाई करें जो हमारा एम्प्लीकॉन है? अनबाउंडेड प्राइमर्स या प्राइमर डाइमर्स या अनयूज टैग डीएनए पॉलीमरेज या अनयूज डीएनए टेम्पलेट्स या अनयूज PCR रिएक्शन बफर कंपोनेंट्स इस डीएनए सीक्वेंसिंग को बंद कर देंगे। इसलिए हमें एम्प्लीकॉन प्योरीफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है डीएनए सीक्वेंसिंग का, कि हम अनवांटेड चीज़ों को उसमें रिमूव करें, खाली हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का एम्प्लीकॉन हमें प्योरीफाइड फॉर्म में प्राप्त हो। हमें PCR प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना पड़ेगा स्पिन कॉलम PCR एम्प्लीकॉन प्योरीफिकेशन किट से, जिससे कि मैक्सिमम प्योरीफिकेशन हम प्राप्त कर सकें। उसके बाद में सीक्वेंसिंग प्री प्रिपरेशन होगा। ये बहुत ही क्रूशल स्टेप है डीएनए सीक्वेंसिंग का। इसमें एडेप्टर डीएनए सीक्वेंसेस का लाइगेशन होता है डीएनए के एंड्स में, उसमें प्राइमर एनील करेगा। एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस जो होगा सिमिलर होगा PCR से। यहाँ पे रेडियो या फ्लोरोसेंट लेबल न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ किया जाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे होगा? हम इसको एक सीक्वेंसर मशीन में रखेंगे। इसमें हम क्या रखेंगे? सीक्वेंसर, डीनेचुरेशन, एनालिंग और एक्सटेंशन एक साथ चलते हैं। और लेबल न्यूक्लियोटाइड सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रिएक्शन की। सिग्नल जो एडिशन में होंगे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे मशीन से और डेटा को हम सेंड करेंगे कंप्यूटर में। डेटा एनालिसिस जब होगा वंस द होल डीएनए इज सीक्वेंस, तो रिजल्ट जो है हम सेव करेंगे यूनिक फाइल फॉर्मेट में। हमारा एक सॉफ्टवेयर होगा जिससे प्रोसेसिंग होगी डेटा की और हम कंपेयर करेंगे अवेलेबल डेटा को, सीक्वेंस डेटा को हम कंपेयर करेंगे अदर अवेलेबल डेटा से सॉफ्टवेयर से, कि भाई कोई किसी प्रकार का कोई चेंज तो नहीं है जीन में। अगर हम ब्रीफ ओवरव्यू को एक विजुलाइज करें डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन से, तो इस प्रकार से डीएनए सीक्वेंसिंग विधि होती है कि हम सबसे पहले सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए हम प्रोटीनेज के डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड अडॉप्ट करेंगे। स्पिन कॉलम डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड, दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं। डीएनए एम्प्लीफिकेशन होगा PCR मेथड से, जिसमें हम ऐड करेंगे DNTP, डीएनए फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, टैक डीएनए पॉलीमरेज। फिर आपका PCR प्योरीफिकेशन होगा, ये भी स्पिन कॉलम बेस्ड PCR प्योरीफिकेशन होगा। उसके बाद में सीक्वेंसिंग प्री प्रिपरेशन किया जाएगा जिसमें डीनेचुरेशन होगी DNTPs की, और इस तरह से हम एक डीएनए सीक्वेंसिंग का पूरा एक कंप्लीट आप सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो। जनरेट करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के, जैसे कि मैक्सिम गिल्बर्ट मेथड है, चेन टर्मिनेशन मेथड है, सेमी ऑटोमेटेड मेथड है, ऑटोमेटेड मेथड है, पायरो सीक्वेंसिंग है। पूरा का पूरा जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड से, क्लोनिंग करके क्लोन सीक्वेंसिंग मेथड से भी हम कर सकते हैं। क्या क्या एरियाज में हम इस पर अप्लाई करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के, क्योंकि हम इससे डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंसेस ऑफ इंडिविजुअल जीन्स, लार्जर जेनेटिक रीजन्स, जैसा कि क्लस्टर होता है जीन्स का, ये ऑपेरॉन्स होते हैं फुल क्रोमोसोम्स के, या फिर हम कहें कि एंटायर जीनोम्स होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो डीएनए सीक्वेंसिंग जो है बहुत ही एफिशिएंट वे है टू इनडायरेक्टली सीक्वेंस आरएनए और प्रोटीन। मतलब एक तरह से जब हम डीएनए का सीक्वेंसेस की जांच कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आरएनए या प्रोटीन्स के बारे में, उनकी सीक्वेंसेस के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ से हासिल करेंगे? ओपन रीडिंग फ्रेम से। फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग वी आर यूजिंग
ऑपरॉन्स या फुल क्रोमोसोम्स एंड देन इनडायरेक्टली वी आर फाइंडिंग आउट ओपन रीडिंग फ्रेम्स। इसको अप्लाई करते हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी में, स्टडी करते हैं जीनोम्स, प्रोटीन जो कि एनकोड करते हैं इन्फॉर्मेशन, जिससे हम चेंजेस इन जीन्स या डिजीज़ या फिनोटाइप्स पता करते हैं। उसी तरह से एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसका यूज़ होता है कि जो डीएनए है उसका ट्रांसमिशन एक जनरेशन से कैसे होता है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हमें ये पता चल जाता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ है। मेटाजीनोमिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं वाटर में, सीवेज में, डेब्रीज में, एयर में, सैंपल्स में, स्वैब सैंपल्स में कैसे हैं। वो जो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है उनके लिए हम इकोलॉजी, एपिडेमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अदर फील्ड्स में यूज़ करते हैं। सीक्वेंस जो है रिसर्चर्स डिटरमाइन करते हैं कि कौन किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं एक माइक्रोबायोम में। भाई एक माइक्रोबायोम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ने जनरेट किया है तो वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे उस माइक्रोबायोम में, तो मेटा जीनोमिक्स की स्टडी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरे एरियाज जहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं वायरोलॉजी में, जो वायरसेस बहुत छोटी होती हैं उनकी जो सीक्वेंसिंग होती है मेन टूल होता है आइडेंटिफाई करना, स्टडी करना वायरस को। वायरस किसी भी प्रकार का हो सकता है, डीएनए बेस्ड भी हो सकता है, जेनेटिक मटीरियल आरएनए बेस्ड भी हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कोरोना वायरस आरएनए बेस्ड है तो टाइम सेंसिटिव जीनोम सीक्वेंसिंग का पता करना हम इस टेक्निक से कर सकते हैं। सेंगर सीक्वेंसिंग और नेक्स्ट जनरेशन जो सीक्वेंसिंग है उससे हम वायरसेस इन बेसिक एंड क्लिनिकल रिसर्च में पता करते हैं कि उनका मॉलिकुलर एपिडेमोलॉजी और वायरल पैथोजन कैसा है, ड्रग रेसिस्टेंस किस प्रकार से है। तो इस तरह से 2.3 मिलियन यूनिक वायरल सीक्वेंसेस को हम अभी तक बना चुके हैं जीन बैंक में। और ये जो वायरल सीक्वेंसिंग है इससे हम एस्टिमेट करते हैं कि भी एक वायरल आउटब्रेक कब होगा, और ये जो वायरल आउटब्रेक जब होगा तो उसके लिए हम एक मॉलिकुलर क्लॉक टेक्निक भी विकसित कर चुके हैं। दिस इज इन केस व्हेन देयर इज अ नेचुरल वायरस, नॉट अ ह्यूमन मेड वायरस। मेडिसिन में भी मेडिकल टेक्नीशियंस जो हैं वो सीक्वेंस करते हैं जीन्स की फ्रॉम पेशेंट्स टू डिटरमाइन कि भी रिस्क है क्या जेनेटिक डिजीजेस का कोई, तो डीएनए सीक्वेंसिंग उसके लिए हेल्पफुल है। डिटरमाइन करेगा स्पेसिफिक बैक्टीरिया टू अलाउ फॉर प्रिसाइज एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट की रिस्क क्या है, क्रिएटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है क्या किसी बैक्टीरिया के लिए। फॉरेंसिक साइंसेज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे कई सालों से हमें डीएनए प्रिंट के रूप में हम इसको इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ कर रहे हैं। तो टेस्टिंग जो डीएनए टेक्निक है से स्पेसिफिक जीनोम्स इन डीएनए स्ट्रैंड हमें पता चल जाते हैं जो कि एक इंडिविजुअलाइज पैटर्न के होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये डीएनए सीक्वेंसिंग जो मेथड है ओवर द ईयर्स राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 80s वो एक तरह की लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है जिससे हम जीनोम्स के सीक्वेंसेस को ज्ञात कर सकते हैं डीएनए की। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। थैंक यू।